बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दानिश एग्रीकल्चर में खुश आमदीद। डी ए पी गुदला मंडी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तमाम तरह अनाज की कीमतें आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तमाम अनाज की कीमतों के अंदर कल की निस्बत आज इजाफा देखा जा रहा है, तो कौन सी जींस के अंदर कितनी कमी है, ये कितनी तेजी है, ये तफसीलन आपको बताते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर लाजम क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तिल और तिली की अगर बात की जाए तो कल की निस्बत आज इसके रेट के अंदर इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी की जो सफेद कलर की तिल और तिली है वो तकरीबन 17,800 रुपये तक फरोख्त हो रही है, बाकी जो हल्के हैं वो तकरीबन 16,000 से लेकर 17,000 रुपये तक फरोख्त हो। बिल्कुल जो हल्के हैं जिसके अंदर कचरा है काफ़ी ज़्यादा वो तकरीबन 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक। अगर मुंजी की बात की जाए दान 1509-1692 दोनों वराइटी में चलों के अंदर आ रही है, उसमें 3,800 से लेकर 4,100 रुपये तक फरोख्त हो। इसी तरह मकई की बात की जाए 10 से 12 मोस्टर की जो मकई है 2,000 रुपये से लेकर 2,100 रुपये तक, यानी 2,100 रुपये तक फरोख्त हो रही है। मंडा क्वालिटी में मकई 1,400 रुपये से लेकर 1,600 रुपये तक फरोख्त हो रही है। बाजरा की अगर बात की जाए तो बाजरा 3,300 से लेकर 3,400 रुपये तक फरोख्त हो रही है। गुड़ और शक्कर 6,000 से लेकर 8,000 रुपये तक फरोख्त हो रही है। सरसों की अगर बात की जाए तो सरसों आज मंडी के अंदर आई है एक डेयरी जो 5,300 रुपये में फरोख्त हुई है, यानी 5,300 रुपये में फरोख्त हुई है। बाकी मजमूरी तौर पर अगर रेट देखा जाए बहुत अच्छी क्वालिटी की साफ़ सुथरी मोटे दाने वाली जो सरसों है वो 5,500 रुपये है। कपास की कीमत के अंदर कल की निस्बत आज इजाफा देखा गया है, तकरीबन जो अच्छी क्वालिटी की कपास है 6,700 रुपये तक फरोख्त हो रही है। मूंगी की अगर बात की जाए तो मूंगी का रेट 6,500 से लेकर 7,100 रुपये तक फरोख्त हो रही है। ये तमाम का रेट्स आपको मियाँ चलो गला मंडी से 40 किलो के दिए गए हैं। आपका इलाका कौन सा है, आपके इलाके के अंदर क्या रेट है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।